प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत बागेश्वर के गरुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने गरुड़ ग्राम पंपिंग वृहद योजना का विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। 9,15,23,000 की लागत से बनने वाली 12 ग्राम पंचायतों की पेयजल योजना के शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में प्रकाश पंत ने कहा कि ये योजना 12 ग्राम पंचायतों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आपको बता दें, ये आयोजन कार्तिकेश्वर में आयोजित किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा कि इस योजना का निर्माण कार्य अच्छी गुणवत्ता से हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने पेयजल निगम के अधिकारियों को योजना की गुणवत्ता में ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। प्रकाश पंत ने कहा कि योजना का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा। गरुड़ की बृहद पेयजल योजना है, ग्राम समूह पेयजल योजना है, 12 गांव इसमें सम्मिलित होने हैं और 9,15,00,000 की लागत से योजना बननी है और ये तयशुदा समय पर पूरी हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और आज इसका काम हम प्रारंभ कर रहे हैं भूमि पूजन के माध्यम से, और संपूर्ण गरुड़ क्षेत्र जो गोमती के किनारे बसा हुआ है, पानी पेयजल से त्रस्त था, इस संपूर्ण क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। गरुड़ बृहद पेयजल योजना मेरे विधानसभा क्षेत्र का मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मेरे तीसरे कार्यकाल में अपनी सरकार आने के बाद ये स्वीकृत हुआ है। इसका आज विधिवत रूप से शिलान्यास हो रहा है। 12 ग्राम सभाएं इसे लाभान्वित हो रही है। मैं समझता हूँ कि पेयजल की जो बहुत बड़ी समस्या मेरे विधानसभा क्षेत्र में 12 ग्राम सभा उसके आसपास थी, वो आज पूरी हुई। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि प्रकृति के अव्यवस्थित प्रयोग से प्राकृतिक स्रोत सूखने की कगार पर आ चुके हैं, हमें इनको बचाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।